नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोमू भट्टाचार्य। मेरा नया चैनल पे ये पहला वीडियो है, तो अभी जिसके चर्चे सबसे ज़्यादा है उसके लिए मैं बात करने वाला हूँ आपके साथ। पता है क्या है, तो रेडमी का नया दो जो फ़ोन्स है, रेडमी 5 नोट 5 एंड नोट 5 प्रो। तो वेलकम टू माय चैनल, आइए शुरू करते हैं। तो रेडमी जे ये जो दोनों नया फ़ोन रिलीज़ किया है, मुझे बहुत दिन से इसका इंतज़ार था। मेरे पास अभी जो फ़ोन है वो ऑनर का 9 है, लेकिन मुझे बहुत दिन से इन दोनों फ़ोन का इंतज़ार था, क्योंकि ये बहुत पावर पैक्ड फ़ोन होने वाले थे, मुझे पता था। तो Xiaomi ने इसे लॉन्च कर दिया कल 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे के दिन पर। तो मैं आज आपके साथ इस फ़ोन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ये दो जो फ़ोन से उसमें जो Xiaomi का पहला 18:9 एस्पेक्ट रेशियो वाला स्क्रीन दिया गया है, इसमें आपको मिलेगा 3GB 32GB का स्टोरेज रेडमी नोट 5 में, और 4GB 64GB भी स्टोरेज मिलेगा आपको। और रेडमी नोट 5 प्रो में अभी के लिए सिर्फ 4GB 64GB का स्टोरेज मिल रहा है, और बाद में जाके 6GB रैम मिलेगा और 64GB का स्टोरेज मिलेगा। रेडमी नोट 5 में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो स्नैपड्रैगन का वही पुराना वाला 625 जब सबसे पॉपुलर था वही यूज़ किया गया है, और रेडमी नोट 5 प्रो में जो प्रोसेसर यूज़ किया गया है वो स्नैपड्रैगन का 636 है, जो भी एक अच्छा प्रोसेसर है। उसमें गेमिंग परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होने वाला है, एंड हीटिंग के मामले में वो बहुत अच्छा होने वाला है, हीट नहीं करेगा, कूल रहेगा फ़ोन, और मल्टीटास्किंग भी ठीक से हैंडल कर लेगा। तो अभी आता हूँ बैटरी में। तो बैटरी 4000 mAh का दिया गया है, जो स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ बहुत ही ऑप्टिमाइज रहेगा, और आपको 1.5 दिन से 2 दिन से आराम तक चलेगा। इस दो फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग दिया गया है, लेकिन कोई फास्ट चार्जर बॉक्स के अंदर नहीं मिलता है। तो आप अगर फास्ट चार्ज करने चाहते हैं तो आपको 3.0 का स्नैपड्रैगन का जो क्वालकॉम प्रोसेसर फास्ट चार्जिंग सपोर्ट वाला जो चार्जर है वो ख़रीदना पड़ेगा अलग से, और आप उसको फास्ट चार्ज कर सकते हैं। इस दोनों फ़ोनों में Xiaomi ने एक गलती की, वही USB का पुराना USB Type-B का पोर्ट दिया है। मुझे उम्मीद था कि USB Type-C आएगा, लेकिन आया नहीं। और एक बात है कि ओरियो के अपडेट के साथ ये लॉन्च कर सकते थे, जो ऑनर का 9 लाइट है वो ओरियो अपडेट के साथ लॉन्च किया गया है, लेकिन Xiaomi ने वो सही पुराना वाला नोवाटी चला रहा है इसमें। तो ये दो कमी को छोड़ के फ़ोन बहुत अच्छे हैं, आपका अगर पसंद है तो आप ले सकते हैं। 22 फरवरी से 12 बजे के बाद आपको सेल स्टार्ट होगा, लेकिन पूरा देश इस पे टूट पड़ने वाला है। तो अगर ख़रीदना चाहते हैं तो कोशिश कर सकते, मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये तो मैं नहीं बता सकता। उम्मीद है कि आपको मिले जाए फ़ोन बहुत अच्छा है, बजट के अंदर है फ़ोन, और प्योर वैल्यू फॉर मनी है। इसमें गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन दिया गया है, लिखा हुआ है, तो आराम से आप यूज़ कीजिए। स्क्रीन भी बहुत ब्राइट है, सब कुछ परफेक्ट है इसमें। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर कोई सलाह और सुझाव है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, आप फैमिली मेंबर हैं मेरे, सजेशन दीजिए मुझे। मेरा पहला वीडियो है, पता है कुछ गलतियाँ किया है मैंने, तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे, जैसे कि मैं न्यू हूँ, आगे से सुधार लूँगा। आप सजेस्ट कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, मेरे वीडियो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर हो सके तो। तो थैंक यू वेरी मच, आप सपोर्ट करते रहिए मुझे, बने रहिए मेरे साथ, और बोलते रहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।